माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया गया है और मैं इसके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन श्री अनंत किशोर जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड समय में इस रिजल्ट को घोषित किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई थी उसी समय हमारे टीचर्स का कुछ टीचर्स हड़ताल पे चले गए थे और उसके बाद इवेल्यूशन में भी हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि लगातार इनके द्वारा मॉनिटरिंग की गई सारी सिचुएशन थी और विकट परिस्थितियों में भी इन्होंने ना केवल शांतिपूर्ण ढंग से और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन किया बल्कि मूल्यांकन का कार्य भी उन्होंने एक रिकॉर्ड समय में पूरा करवाया और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही सारे देश में पहला बोर्ड है जिसने इंटर की परीक्षा विकट परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड समय में घोषित की। 24 मार्च को इंटर की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया गया जो कि भारत में नंबर वन बोर्ड है जिसने ऐसा किया जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी भी किसी भी बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया इसमें भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का प्रथम स्थान है। जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं टेक्नोलॉजी को यूज किया है जिसके चलते हम कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने में सफल हुए हैं और रिकॉर्ड टाइम में ये रिजल्ट घोषित करने में सफल हुए हैं जिसके लिए मैं एक बार पुनः बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही आज के इस परीक्षा फल में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत